अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू यूनिवर्सल ऑप्टिशन। मेरा नाम है शाहजेब अहमद भट्ट और आप सबको वेलकम कहता हूँ यूनिवर्सल ऑप्टिशन में। आज का जो हमारा रिव्यू है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रे-बैन क्लब मास्टर का रिव्यू। पोलराइज सनग्लास है, इंशाल्लाह इसका रिव्यू आपको बहुत पसंद आएगा और तमाम इसकी डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। इस मॉडल के अंदर कितने आपको कलर्स मिलेंगे ये भी आपको बताऊंगा, और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि रे-बैन क्लब मास्टर कब आया और रे-बैन क्लब मास्टर की यंगस्टर के अंदर कितनी ज्यादा डिमांड है। तो वीडियो का एंड तक आपने लाजमी देखना है, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एक वीडियो एक कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, और हमें आपसे सिर्फ इसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि हमारे देखने वाले वीडियो को आगे भी शेयर करें और हमारी मेहनत को जो है वो अप्रिशिएट करें। तो टाइम वेस्ट किए करते हैं रिव्यू स्टार्ट, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ग्लासेस रे-बैन की। रे-बैन की जो ग्लासेस आप परचेज करेंगे उसके साथ की जो एक्सेसरी होगी, पहले इसका रिव्यू कर देते हैं। ये एक अदद बॉक्स होगा, वन बॉक्स के साथ आपको ये मिलेगा माइक्रोफाइबर क्लॉथ। आप देख सकते हैं ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ होगा जिसके ऊपर रे-बैन की जो है स्टिकर प्रिंट हुआ होगा। स्टिकर प्रिंट के बाद अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद एक ये केस होगा। इसकी जो है बटन साइड्स है, आपको पहले भी मैंने रे-बैन के एविएटर के रिव्यू में बताया था कि बटन साइड जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता है बनिस्बत प्लास्टिक साइड्स के। और तो किसी में मैग्नेट भी लगा होता है लेकिन मैग्नेट वाला जल्दी ख़राब हो जाता है, बटन वाले की लाइफ ज़्यादा एडवांस होती है। साथ में आपको ये फिर इसकी कैटलॉग मिलेगी, साथ में आपको इस बॉक्स बुक के अंदर जो मिलेगी वो मिलेगी रे-बैन के जो मॉडल्स न्यू आने वाले होते हैं या जो रे-बैन के मॉडल की टॉप लिस्ट होते हैं ना, उनकी डिटेल्स इसके ऊपर मिलेगी। अब आ जाते हैं हम अपनी रे-बैन की पोलराइज सनग्लास के ऊपर। अब ये रे-बैन की पोलराइज की सनग्लास है। अगर आप इसका रिव्यू करते हैं स्टार्टिंग, सबसे पहले हम ग्लास से करते हैं। आपको ये इनर साइड के ऊपर ये ब्लू ब्लू लाइट्स जिस पे ये रिंग लाइट आप देख रहे होंगे कि ये आ रही है, ये ब्लू कलर में है। इनर साइड एंटी ग्लेयर ब्लू रिफ्लेक्शन कोटिंग के साथ है। एंटी ग्लेयर बेसिकली वो कोटिंग होती है जो आप एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग मोबाइल और कंप्यूटर से हार्मफुल रे से प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, ये पोलराइज होने की वजह से सामने से आपको रिफ्लेक्शन फ्री जो है ना विजन प्रोवाइड करेगी। तो ग्लासेस की तरफ आते हैं। ग्लासेस का जो कलर है ये आपको इसके अंदर मिल रहा है ग्रीन कलर के अंदर। वैसे जो रे-बैन के कलर्स आते हैं इसमें आपको मिलेंगे, तीन टाइप्स के कलर होंगे। एक आपको मिलेगा ग्रीन, एक आपको मिलेगा ब्राउन और एक आपको मिलेगा ब्लैक। अब ब्लैक के आगे से फोर पार्ट्स होंगे। लाइट टू टोन ब्लैक के अंदर आपको मिलेगा, लाइट ब्लैक के अंदर आपको मिलेगा, जेट ब्लैक के अंदर आपको मिलेगा, इसी तरह एक और कलर है उसके अंदर आपको मिलेगा। ये जो ग्रीन कलर है, इस ग्रीन कलर के अंदर जो आपको मिलेगा इसमें G15 कलर ग्रीन होगा, मीडियम ग्रीन होगा, और इसके अलावा जो है ना डार्क ग्रीन कलर के अंदर भी आपको मिलेगा। इसकी मॉडल नंबर की अगर हम बात करें तो इसका जो मॉडल नंबर है वो है RB3016। क्लब मास्टर बेसिकली एक जो है ना यंगस्टर का स्टाइल है। आप जितने भी क्लब मास्टर देखेंगे ना, जो जो भी ये क्लब मास्टर लगा रहा होगा, ये ज़्यादातर आपको या तो वो पीपल्स आपको नजर आएंगे क्लब मास्टर लगाते हुए कि जो यंगस्टर होंगे, या आपको आफ्टर 50 से 60 एज के जो पीपल्स हैं ना वो इस चीज़ को ज़्यादा लाइक करते हैं। 30 से लेके 50 तक पीपल्स इसको इतना लाइक नहीं करते। एक वक्त था कि क्लब मास्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और ये तकरीबन 2011 से लेके 2015 तक क्लब मास्टर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रही है। क्लब मास्टर के अंदर आपको मर्करी कलर की कोटिंग में मिलेगी, लेकिन मर्करी कलर की कोटिंग से बेहतर है जो इसका रियल लेंस है ना, G15 लेंस। ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन लेंस है। आप सबको भी रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप ग्लासेस लें तो G15 कलर लेंस के अंदर आप ग्लासेस लें, क्योंकि इसका व्यू सबसे ज़्यादा एडवांस होता है। ये जो है इसके अंदर G15 कलर का लेंस लगा हुआ है, इनर साइड एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ है, और इसकी कलर्स की विजिबिलिटी जो आपको सनलाइट के अंदर टॉप ऑफ द लाइन मिलेगी। क्लब मास्टर का ये वाला जो आर्टिकल है ये बेसिकली 1980s के अंदर जो है ना लॉन्च किया गया था, और इसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो 2010 के बाद हुई है। इसके जो आपको फ्रेम्स के कलर मिलेंगे, फ्रेम्स में भी इसके कलर आते हैं। फ्रेम के अंदर ये बेसिकली जो कलर है ये है टाइगर प्रिंट कलर के अंदर। इसमें आपको ब्राउन कलर मिलेगा, इसमें आपको ब्लैक कलर मिलेगा, इसमें आपको टाइगर प्रिंट कलर मिलेगा। अगर नोज पैड की बात की जाए तो नोज पैड इसके जो है ये ट्रेडिशनल नोज पैड आते हैं। जितनी भी रे-बैन की ग्लासेस होंगी सबको ये वाले जो है ना यही वाले नोज पैड लगेंगे। इसकी अगर स्क्रू की बात कर ली जाए तो इसका स्क्रू और इसके जॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको सुपीरियर मिलेंगे। टू जॉइंट्स यहाँ पे हैं और टू जॉइंट्स यहाँ पे है,
और इसकी ग्रिपिंग और इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और ये एक लाइट वेट ग्लासेस के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ज़्यादातर ये ग्लासेस जो एग्जैक्टिव में नहीं, ये ज़्यादातर कैजुअल के अंदर इस्तेमाल की जाती है, जैसे ट्रैवलर इसको ज़्यादा लाइक करेंगे। एग्जैक्टिव के अंदर तो रेबन की वेफर आती है सबसे ज़्यादा, तो एविएटर उसका ट्रेडिशनल स्टाइल आता है। तो ये था क्लब मास्टर का रिव्यू, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको मजीद अच्छी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तब तक अपना और अपने गिर्दोनवा लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।